सब्सक्राइब कीजिए तोशिन टेक चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका तोशिन टेक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग वन यू आई वी फाइव की डे थीम के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है लिंक से कैसे थीम को इंस्टॉल करनी है और कैसे जो है आपके सैमसंग थीम स्टोर में वो थीम शो होती है। तो पूरा जो है प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने जो सैमसंग वन यू आई वी फाइव की जो नाइट थीम की वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए है कि लिंक से ये थीम डाउनलोड नहीं हो रही है और ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, लिंक बिल्कुल सही है और आपको कैसे उसको इंस्टॉल करनी होती है और कैसे आपको क्या प्रोसेस करना है जिससे कि आपके थीम स्टोर में वो थीम शो हो जाए और आप उसे अप्लाई कर सकें, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए और साथ ही जो वी फाइव डे थीम है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इस थीम के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वन यू आई वी फाइव की डे थीम को जो है अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है और जितने भी आइकन्स है बिल्कुल शार्प देखने को मिलेंगे और काफ़ी जो है ब्राइट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डे थीम वी फाइव मैंने अप्लाई की हुई है। यहाँ पर स्टॉप ट्रायल का एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो कंप्लीट यहाँ पर एकदम ब्राइट देखने में दिख रहा है। और अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं तो यहां पर सेटिंग्स में देख सकते हैं कि वी फाइव में आपको थोड़ी यहां पर इस तरह की देखने को मिलती है। और यहां पर अगर बात करते हैं कॉल लॉक्स की तो कॉल लॉक्स भी यहां पर आप देख सकते हैं कि वी फाइव थीम जैसे कि मैंने आपको नाइट थीम में बताया था उस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर ये थीम आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर जो है आप इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है कैसे उसको इंस्टॉल करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ये जो थीम है इसको डिलीट करने के बाद में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि इसको आपको कैसे इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग थीम्स में और थीम्स में जाने के बाद में यहाँ देख सकते हैं कि जो वी फाइव डे थीम वी फाइव थीम मैंने अप्लाई की हुई है। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको जो है स्टॉप कर दिया है और अब जो मेरी डिफ़ॉल्ट थीम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुकी है। तो अब मैं आपको उस थीम को डिलीट करके और दोबारा से इंस्टॉल करके बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉपरली थीम को इंस्टॉल करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थीम में जाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं डे थीम वी फाइव को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो थीम जो है वो डिलीट हो रही है, थोड़ा सा वेट करना होगा हमें यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि थीम जो है कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुकी है और यहाँ पर जो फर्स्ट में आप देख सकते हैं नाइट थीम शो हो रही है और ये जो डे थीम है ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डे थीम वी थ्री है, वी फाइव नहीं है। तो वी फाइव जो है यहाँ से कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करनी होती है और कैसे आपके थीम स्टोर में ये थीम शो होती है। तो उस लिंक से सबसे पहले आपको थीम को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जो है सिंपली से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ से सिंपली डन प्रेस करना होता है। डन प्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो रिसेंट ऐप से उसको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में सेटिंग्स और सैमसंग थीम को यहाँ से क्लियर कर देना है। उसके बाद में आपको जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप वॉलपेपर्स एंड थीम्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर थीम वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये शो नहीं हुई है, नाइट थीम ही शो हो रही है। तो आपको यही प्रोसेस दोबारा से करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से उस लिंक से इस थीम को जो है इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर इस थीम को जो है इंस्टॉल कर लेता हूं और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड टाइम ये करने के बाद में थीम जो है शो हो जाएगी थीम स्टोर में। तो आप देख सकते हैं कि जो थीम है वो इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद में आपको सिंपली से डन प्रेस करना है। डन के बाद रिसेंट ऐप्स को ओपन करना है और रिसेंट ऐप्स को ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको थीम्स और सेटिंग्स वाला जो ऐप्स है उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको जाना है वॉलपेपर्स एंड थीम्स में और फिर आप अगर यहाँ पर थीम स्टोर ओपन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपकी थीम जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये प्रोसेस दोस्तों आपको दो बार करना होता है। जब आप फर्स्ट
फर्स्ट टाइम इसको करते हैं तब आपके थीम स्टोर में शो नहीं होती है, आपको दोबारा यही प्रोसेस करना है, उसके बाद में जो है डेफिनेटली आपके थीम स्टोर में थीम शो हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको देख सकते हैं, मैं इसको आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। देख सकते हैं डे थीम V5 यहाँ पर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है और मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थीम है वो मैंने अप्लाई कर दी है, और इस तरह से आप जो है थीम को इंस्टॉल करके अपने थीम स्टोर में जाकर थीम को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है इस वेदर विजेट को लेकर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वेदर विजेट, तो ये जो है आपको इस थीम के साथ नहीं मिलने वाला है। ये मैंने अलग से जो है इसको डाउनलोड करके अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपको भी जो है इस तरह का वेदर विजेट अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है कैसे इसको अप्लाई करना है अपने फ़ोन में। तो सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करने ला। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।